नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम करेंगे कक्षा सातवीं में पाठ पाँच क्षमादान। हमारा पाठ पाँच है जिसका नाम है क्षमादान। ये एक कहानी है। इस कहानी के लेखक, इस नॉवल के लेखक जो हैं वो लेखक टॉलस्टॉय जी हैं। मूल लेखक जिन्होंने नॉवल लिखा है टॉलस्टॉय जी हैं, जबकि इसका हिंदी अनुवाद, इसको कहानी का रूप दिया है प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किसी नगर में भागीरथ नाम का एक युवक रहता था। ये देखिए, इसका नाम है भागीरथ, ठीक है, जो कि एक सौदागर था। ठीक है, एक युवक जो कि एक सौदागर, सौदागर होता है बच्चों व्यापारी, जो भी व्यापार करते हैं। तो गांव में एक सौदागर होता है जिसका नाम भागीरथ है। मेन करैक्टर इस कहानी का आ गया भागीरथ। अब भागीरथ जी जो अब वहाँ पर उनकी वहाँ पर गांव में दो दुकानें और एक मकान भी है। अब देखिए, उनके बाल जो हैं बोलते हैं कोमल, घुंघराले और चमकीले हैं। ये हंसोर स्वभाव वाले हैं, हंसमुख स्वभाव वाले हैं और इनको गाना बहुत पसंद है। देखिए, युवावस्था में ही इनको कुछ बुरी आदतें लग गई थी, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई, ये उनकी पत्नी है, जैसे ही उनकी शादी हुई तो उन्होंने ये बुरी आदतें जो थी वो छोड़ दी थी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कुंभ के मेले से। तो कुंभ का मेला जो कि 12 वर्ष के बाद आता है, तो भागीरथ भी कुंभ के मेले में जाने का निश्चय करते हैं। वो सोचते हैं कि गंगा दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, साथ में उनका व्यापार भी हो जाएगा, उनका माल भी वहाँ पर बिक जाएगा। तो ये सोचकर जो है वो भागीरथ कुंभ के मेले में जाने के लिए कहते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो उनको कहती है, उनको वहाँ जाने के लिए मना करती है, कहती है कि मैंने बुरा सपना देखा है। वो कहती है कि प्रिय, मैं क्या तुम्हें पता है, बोला है कि मेले में मत जाओ भय। वो भय से कहती है कि तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊं। अब भागीरथ जी उल्टा उनको कहते हैं कि तुम्हें डर है कि मैं कहीं तुमको भूल ना जाऊं। लेकिन वो अपना स्वप्न सुनाती है। वो कहती है कि मेले में मैंने रात को बुरा स्वप्न देखा है। मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारे बाल, जब तुम वापिस लौटे हो, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम बूढ़े हो गए हो। आगे हम देखते हैं, देखो कहानी कैसे मोड़ लेती है। जब भागीरथ जी मेले में जाने की सोचते हैं तो वहाँ पर उनकी पत्नी उन्हें बुरे स्वप्न के बारे में बताती है कि उनके बाल सफेद हो चुके हैं, वो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन भागीरथ उसको मजाक में कहता है कि ये तो शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है, जब मैं मेले से लौटूंगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये सोचकर, ये कहकर वो अपनी पत्नी से कहकर मेले में चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनको एक और सौदागर मिल जाता है, एक और व्यापारी उनको मिल जाता है। दोनों व्यापारी रास्ते में आराम के लिए एक सराय में रुकते हैं। अब भागीरथ को जो है वो सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, तो वो उस व्यापारी को सराय में ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर थोड़ी दूर जाते हैं तो वो एक जगह विश्राम करने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ उनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ लेती है तो भागीरथ ये देखकर बड़ चौंक चौंक आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, हैरान अवाक रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया तो पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ा। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे साथ जो व्यापारी था, तुम उसके साथ सोए थे, तो तुम उसे अकेला छोड़ के क्यों चले आए। तो वो उसके सामान की तलाशी लेते हैं, तो उनके सामान में एक खून से लथपथ चाकू मिलता है और कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये देखकर भागीरथ अवाक रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी बोलने को नहीं होता है। इंस्पेक्टर अब जवाब देते हैं कि मैं इस प्रांत का पुलिस अफसर हूँ, ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस सौदागर के साथ तुम रात में रह रहे थे, जिसके साथ तुम थे, उसकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। अब वो बिना अपराध के पुलिस जो है वो उनको पकड़ कर ले जाती है, उनको जेल में बंद कर देती है। तो आगे हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि कैसे भागीरथ को इंस्पेक्टर जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तभी जेल में भागीरथ की पत्नी आती है। ये देखो, उसे विश्वास नहीं होता है। तो भागीरथ की पत्नी इस पर विश्वास ना करते हुए वो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो भी भागीरथ पर विश्वास नहीं करते। भागीरथ उनको अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली जाती है। अब ये देखकर भागीरथ जो है वो बहुत उदास होता है। वो जेल में जो है वो बिल्कुल चुपचाप जो है वो वहाँ पर रहने की कोशिश। अब उसको लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा है, उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई, उसके बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए हैं।
अब हम देखेंगे कि भागीरथ अब जो है वो अपना कर्म समझकर 26 साल जो है वो जेल में बिता देता है, यह सोचकर कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा है, ना उनकी पत्नी है ना उनके पास बच्चे हैं, अपन अपने अपराध को भी साबित नहीं कर सकते हैं। तो अब भागीरथ जो है वो चुपचाप जेल में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो चुपचाप जो है वो जीवन व्यतीत करते हैं, नित्य भगवान का भजन करते हैं, वहाँ पास में एक मंदिर होता है वहाँ जाते हैं। तो सभी जो जेल में जो कैदी हैं वो भी, जेल अधीक्षक वहाँ के जो रक्षक जो रखवाली करते हैं, सभी जो है वो भागीरथ का बड़ा आदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वो बाबा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उनका चाल चलन वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। आगे हम देखेंगे और देखिए भागीरथ जो है वो जेल में अपने 26 वर्ष बिता रहा है, वो जेल में अपने जो है 26 वर्ष उसने बिता दिए हैं। तो सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, सभी उनको बूढ़ा बाबा कहकर बुलाते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके 26 साल व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर और भी कैदी आते हैं। तो सारे ही अपना वृतांत सुनाते हैं कि वो किस किस अपराध में यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ बलदेव नाम का एक और अपराधी जो है वो वहाँ पर आ जाता है और वो अपना वृतांत सुनाता है कि वो किस अपराध के कारण यहाँ आया हुआ है। तो वो वहाँ पर सुनाता है कि भाइयों, मेरे मित्र का घोड़ा चुराने के लिए मुझे यहाँ पर ले आया गया है, मतलब छोटे से अपराध के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया है, लेकिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, उसकी मुझे कोई भी सज़ा नहीं मिली। जब ये सब बलदेव उनको बता रहे होते हैं तो भागीरथ जो है वो समझ जाते हैं कि सौदागर की हत्या इसी ने ही की होगी। तो ये देखकर भागीरथ जो है वो बहुत दुखी होते हैं कि वो बिना अपराध के उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 26 साल जो हैं वो यहाँ पर बिता दिए। अब हम आगे देखेंगे भागीरथ जो हैं वो चुपचाप जेल में पड़े होते हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, जिसने अपराध किया है वो मजे से बाहर घूम रहा है, और उनकी आयु के 26 वर्ष जो हैं वो जेल में ही व्यतीत हो गए हैं। तो वो चिंतित होके एक बार क्या है कि जेल में लेटा हुआ था, वो वहाँ ठहर रहा था, तभी चबूतरे से मिट्टी गिरती है, वो उसको मिट्टी को देखते हैं, वो देखते हैं तो वहाँ पर बलदेव जो है वो वहाँ पर एक सुरंग बना रहा होता है। तो बलदेव वहाँ से निकलता है, तो वो भागीरथ उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। बलदेव जो है वो भागीरथ को डराते हैं कि अगर तुमने जेल अधीक्षक से कुछ बताया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तो अब देखिए भागीरथ फिर से जेल अधीक्षक को इसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, अब वो दूसरा अपराध भी उनका क्षमा कर देते हैं, आगे वाला अपराध भी उनका क्षमा कर देते हैं। अब ये सोचकर बलदेव जो है वो बड़ा दुखी होता है। अब देखिए बलदेव जो है वो देखता है कि इंस्पेक्टर के सामने इसने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो अब बलदेव को अपनी करने का, अपने किए हुए का पछतावा होता है। वो भागीरथ के पास जाता है, उसको समझाता है और कहता है कि मैंने जो अपराध किए हैं इसकी सज़ा तुमने भुगती है, 26 साल तुमने जेल में व्यतीत कर दिए। अब वो अपने अपराध पर बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत ही दुखी होता है। आगे हम देखेंगे यहाँ देखेंगे बलदेव कैसे भागीरथ के पाँव में झुक जाता है, वो अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है, कहता है कि तुम्हारे इस चुप रहने के कारण, तुम्हारे ऐसे सजा काटने के कारण जितना दुख मुझे कोड़े लगने का नहीं हो रहा है, उतना दुख मुझे तुम्हें देखकर हो रहा है, तुमने मेरे कारण जो है अपनी ज़िंदगी के 26 साल जो हैं वो जेल में बिता दिए। अब बलदेव जो है वो उसके पाँव में गिर जाते हैं। अब भागीरथ जो है वो कहते हैं, भागीरथ कहते हैं कि कौन जाने कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब बलदेव भागीरथ बलदेव सिंह कहते हैं, बलदेव को कहते हैं कि कौन जाने कौन अच्छा है कौन बुरा है, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। अब देखिए भागीरथ ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल जेल में बिता दिए, अपनी पत्नी और बच्चे जो हैं वो उनको छोड़ के चले गए, तो ऐसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बलदेव को क्षमा कर दिया। तो देखिए क्षमादान, अब कहानी का नाम क्षमादान इसीलिए रखा गया है, देखो इतने कष्ट भुगतने के बाद भी अंत में भागीरथ जो है वो
ईश्वर का नाम लेकर जो है वो बलदेव को माफ कर देते हैं, लेकिन बलदेव सिंह जो है वो बड़ा ही दुखी होते हैं, कहते हैं कि इतना दुख मुझे कोड़े लगने का नहीं हो रहा है, इतना दुख मुझे तुम्हें देखकर हो रहा है। और अंत में जब हम देखते हैं कि भागीरथ के सारे ही अपराध जो हैं वो बलदेव कबूल कर लेता है, अधीक्षक के सामने अपना अपराध कबूल कर लेता है, जब बलदेव को अंत में छोड़ने की बारी आती है तो बलदेव जी की मृत्यु हो जाती है। वो जो आपने ये कहानी ध्यान से पढ़नी है, धन्यवाद।